आज हम फिर से कैपिटल कर्सिव लेटर करने वाले हैं वी एंड डब्ल्यू, दो लेटर करने वाले हैं वी और डब्ल्यू। तो हम पहले वी में देख लेते हैं कि वी के न्यू वर्ड्स भी देख लेते हैं थोड़े। वी फॉर जैसे यहाँ पर है आपका पेज नंबर 64 और 65 पर, वी फॉर वास और वी फॉर वल्चर, दो हैं वी फॉर वास और वी फॉर वल्चर पेज नंबर 64 और 65। इसके अलावा वी फॉर वेजिटेबल भी होता है इजी, जो हम हमेशा ही यूज करते रहते हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल हम लर्न करते ही हैं, तो वी फॉर वेजिटेबल। वायलिन, वी फॉर वायलिन, वायलिन बजाना अच्छा लगता है किसी को, आता है किसी को बजाना, वी फॉर वायलिन। वैन, आप स्कूल कैसे आते हो, कुछ बच्चे जो दूर दूर से आते हैं वो कैसे आते हैं, वैन में बैठ कर आते हैं ना, तो वी फॉर वैन। वास, वल्चर, वायलिन, ठीक है, वेजिटेबल। तो ये हमारे वी के न्यू वर्ड्स हैं। अब हम वी को लिखना सीखते हैं, चलिए बोर्ड पर देखते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सेंटर वाली टू लाइन्स हैं उसमें आपको एक लास्ट वाली थर्ड वाली लाइन से लेकर आपको टॉप वाली लाइन पर एक ऐसे कर्वी लाइन बनानी है। सबसे पहले ऐसे कर्वी लाइन बनाएंगे हम, उसके बाद एक हल्का सा स्लैंट देते हुए स्टैंडिंग जैसा ही एक लाइन बनाना है आपको, और फिर यहाँ से ले जाकर टर्न कर लेना है। ये हो गया वी फॉर वास, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले आपको इसे कर्वी लाइन बनानी है, उसके बाद में एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, और फिर यहाँ से टर्न करके ये वी फॉर वायलिन, वी फॉर वल्चर। एक बार पहले फिर से देख लेते हैं, एक कर्वी लाइन बनाइए, स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसे यहाँ से टर्न कीजिए। इसे नीचे बहुत ऐसा एकदम नुकीला नहीं बना लेना बी जैसा, वो गलत हो जाएगा। इसे हमें थोड़ा सा राउंडिश ही रखना है, स्टैंडिंग लाइन के बाद हमको हल्के से इसको ऐसे राउंडिश ही लेके जाना है, एकदम उसको कोन शेप जैसा नहीं बना देना है, इस बात का ध्यान रखना। एक बार और देखते हैं, पहले यहाँ पर एक कर्वी लाइन बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और हल्का सा इसको टर्न करके लेकर जाएंगे वी फॉर वल्चर, वी फॉर वेजिटेबल, वी फॉर वायलिन, ठीक है, वी फॉर वेस्ट भी होता है। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, से एंड राइट, ऊपर सबसे क्या लिखा रहता है, से एंड राइट, उसे भूलना नहीं। नेक्स्ट पेज है 66 और 67, 66 और 67 पर है W, कैपिटल कर्सिव अल्फाबेट W, W फॉर वास और W फॉर विंग, वास एंड विंग, W फॉर वास और W फॉर विंग। विंग मतलब समझते हो आप पंख, जो बर्ड्स के पंख होते हैं उसे विंग बोलते हैं, और वास्प ये एक तरह का कीड़ा होता है, इंसेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा W फॉर क्या होते हैं न्यू वर्ड्स में, वॉच, ये हमने वॉच पहनी है, W फॉर वॉच होता है, और W फॉर विंडो होता है, आपके रूम में विंडो होगी तो विंडो होता है। अभी जैसे किससे बना हुआ है, ये वुड से बना हुआ है, W फॉर वुड होता है, और डे वेडनेसडे, जैसे डे होता है ना संडे मंडे ट्यूसडे, तो वेडनेसडे भी किससे शुरू होता है, W से शुरू होता है, तो W से आने वाले ये न्यू वर्ड्स हैं जो आपको समझना चाहिए। और अब हम W को लिखना सीखते हैं, बोर्ड पर देखिए, चलिए ये V जैसा ही है, इसकी शुरुआत पहले V जैसे ही होगी और थोड़ा आगे और एक्सटेंड हो जाएगा, देखते हैं इसे, है ना। पहले वैसा ही क्या करना है आपको, टॉप वाली लाइन पर एक सबसे पहले कर्वी लाइन बनानी है, उसके बाद आपको स्टैंडिंग लाइन बनाते हुए इसको ऊपर तक लेके आना, बीच में से ही नहीं टर्न कर लेना, और फिर इसको एक बार यहां पर लाते हुए ये टर्न कर लेना। ये हो गया W फॉर वॉच। ये सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कर्वी लाइन बनानी है, फिर स्टैंडिंग लाइन बनानी है, ऊपर लेके जाना है, ऊपर टॉप तक लेके जाना है, सेंटर बीच में से या यहाँ से टर्न करके नहीं लेके जाना है, और फिर नीचे लेकर आना है, और ये है W फॉर विंग, W फॉर विंग। एक बार और देख लेते हैं W, सबसे पहले एक कर्वी लाइन बनाइए,
फिर एक्सटेंडिंग लाइन बनाइए, ये लेके गए फिर नीचे लेके आए और इसको टर्न कर दिया। इसे आप यूं भी बना सकते हैं कि पहले हमने इसे यहाँ लेकर आए, फिर एक कोन बनाया, ये है ना ये कोन, और फिर उसको ले जाके यहाँ से टर्न कर दिया। ये भी डब्ल्यू फॉर कोन शेप भी बना करके, या आप उसको पहले ये लेकर गए, यहाँ से आपने फिर ऊपर लेकर गए फिर नीचे लेकर आए, वैसे भी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगता है। तो ये डब्ल्यू फॉर वास, डब्ल्यू फॉर विंग, डब्ल्यू फॉर वॉच, विंडो, वुड, वेडनेसडे। तो आज आपको करना है पेज नंबर 64, 65 एंड 66, 67। आज के लिए इतना ही है।